Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is seventh January two thousand twenty-two. Subject: English, Class Six, Chapter Eight: A Game of Chance. My dear students, we are reading this chapter. Okay, so we'll read from paragraph number seven. I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya. He encouraged me. I paid fifty paisa and took six discs. My luck was not too good. I got two pencils. The shopkeeper bought them from me for 25 paisa. I tried again. This time I got a bottle of ink also of little value. The shopkeeper bought that too for 25 paisa. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. Okay. तो यहाँ पे जो लड़का है वो बोल रहा है मैं भी कोशिश करूँगा अपना लक तो वो भैया की तरफ देखा और उसने भी encourage किया और वो उसके भैया ने उस लड़के को कितना दिया फिफ्टी पैसा और फिफ्टी पैसा दे के वो कितना डिस्क लिया छः डिस्क राइट फिर वो लड़का बोल रहा है कि मेरा लक उतना कुछ अच्छा नहीं था मुझे सिर्फ दो पेंसिल मिला और दुकानदार ने उसे पच्चीस पैसे में उससे खरीद लिया फिर मैंने अपना लक कोशिश किया फिर इस बार मुझे बॉटल ऑफ इंक मिला वो भी कम वैल्यू का फिर दुकानदार ने मुझसे उस सामान को पच्चीस पैसे में ले लिया फिर मैंने तीसरी बार चांस दिया बट इस बार भी मेरे साथ कोई लक नहीं था I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying fifty paisa each time. But every time I got a trifle, at last I was left with only twenty-five पैसा Again, the shopkeeper showed his kindness. और फिर लड़का बोल रहा है कि मुझे आशा था कि मैं कोई बड़ा प्राइज जीतूंगा बट मैंने कोशिश किया लक लग लगाया बार बार पर हर बार मैंने फिफ्टी पैसा दिया पर मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला और आखिरी में मेरे पास सिर्फ पच्चीस पैसा ही बचा फिर शॉपकीपर ने अपने दया दिखा के फिर ही सेट आई कुड आई दो प्ले वंस मोर विद ट्वेंटी फाइव पैसा सेटल द अकाउंटेंट एंड देयर आई प्लेड अगेन एट लास्ट ट्वेंटी फाइव पैसा ऑल्सो डिसअपियर फिर मैंने दुकानदार ने बोला दया दिखाते हुए तुम्हें काम कर सकता है तुम्हें एक बार खेल सकता है या फिर पच्चीस पैसा दे के इसे सेटल कर सकता है तो फिर मैंने और एक बार खेला और आखिरी में वो पच्चीस पैसा भी वो चला गया यस पीपल वे लुकिंग एट मी सम वे लाफिंग एट माई बैड लक बट नो वन शोड एनी सिंपति भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न प्रेजेंटली ही केम ही लुक एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अप सेट इज द मैटर फिर वहाँ पे जो आसपास में जो आदमी लोग देख रहे थे उन लोग हंस रहे थे मेरे खराब किस्मत को देख के सबको हंस रहे थे पर किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाया किसी ने दया नहीं दिखाया तो भैया और मैं जहाँ पे अंकल हमें छोड़े थे हम लोग उसी जगह जाके रिटर्न हो गए और वहाँ वेट करने लगे तो कुछ देर बाद उसका अंकल आया और बोला रशीद तो ये लड़का का नाम क्या था रशीद था ठीक है याद रखिएगा इस कहानी में जो लड़का जो बता रहा है वो मेला के बारे में और फिर जिसने ये लग बाई चांस वाला गेम खेला पर उसे चांस नहीं मिला तो उसका लड़का का नाम क्या है रशीद है तो वो रशीद को पूछता है अंकल पूछता है रशीद तुम इतना दुखी हो बात क्या मैटर क्या है आई डिट आई डिड नॉट से एनी थिंग भैया टोल्ड हिम वॉट हेट एपन मैंने कुछ नहीं बोला पर मेरा भैया ने अंकल को सब बता दिया अंकल वॉज नाइदर एंग्री नोट सैड अंकल ने बोला अंकल ना ही ज़्यादा गुस्सा था ना ही दुखी था स्माइल एंड पेटेड में अंकल ने उसे हंसते हुए और पेट किया टू अंड बॉट मे या ब्यूटिफुल अम्ब्रेलाट एंड स्वीट एंड समिटिल गिफ्ट देन वी रिटर्न होम फिर उसका अंकल ने उसके लिए क्या किया एक खूबसूरत सा छ्ब्रेला छाता बिस्किट और कुछ मिठाई के पैकेट खरीदा और छोटे छोड़ छोटे गिफ्ट खरीद के उसके साथ घर वापस वो लोग चले आए बैक होम अंकल टोल मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी घर में आते समय अंकल ने बताया कि जो लकी शॉप का जो दुकानदार था वो उसके बेब बनाया उसे फूल किया नो अंकल ऐसे इट वॉज जस्ट माई बैड लक फिर उसने बोला नहीं अंकल बस वो मेरा खराब किस्मत था खराब समय था नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज ना गुड लक नॉट बैड लक फिर अंकल ने बोला मेरे बच्चे ना ही वो गुड लक है ना ही बैड लक है बट अंकल आई सेट आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग टू और थ्री कॉस्टली थिंग्स ओके फिर अंकल फिर लड़के ने बोलता अंकल मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे घड़ी मिला और एक लड़के को दो या तीन कॉस्टली जीनस मिला यू डोंट नो चाइल्ड अंकल सेट देर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम यू टू ट्राई योर लक they wanted your money and they got it now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness तो अंकल ने बोला तुम्हें नहीं पता बच्चे जो भी ओल्ड मैन जो बच्चे जीते वो सब दुकानदार का शॉपकीपर का दोस्त था ओके उन लोग खेल के बस आदमी को ट्रिक करते टेम्प्ट करते कि वो मेरे दुकान में आएँ और अपना लक हजमाएँ तो इस प्रकार से क्या होता है आप तो पैसा देंगे वो पैसा अपने तरफ से ले लेगा और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो उसका अंकल बोला अभी तुम ये बात को भूल जाओ और कभी किसी से ये मत कहना जब सब कोई सबकी बोलेंगे तुम्हारा बैड लक नहीं ये तुम्हारा भेक था बोल के ओके तो इस प्रकार से जो चैप्टर है गेम ऑफ चांस ये ख़त्म होता है तो हम चाहते हैं कि घर में आप इस कहानी को पढ़ें और पढ़ के आप समझने की कोशिश करें थैंक यू